उत्तराखंड के रुड़की में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि रुड़की शहर में 10 से 12 हजार स्ट्रीट वेंडर हैं जो फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते इन फेरी वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। पीड़ित फेरी वालों ने बताया कि वो इस मुद्दे को लेकर यहाँ की मेयर, विधायक और शहरी विकास मंत्री से मिलकर बात करेंगे। साथ ही फेरी वालों ने कहा कि नगर निगम को इस विषय पर कमेटी का गठन करके फैसला लेना चाहिए। तुला के लिए तो वेंडर के लिए एक्ट बना दिया गया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पड़ा है। विषय है कि अब तक वो क्रियान्वयन नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि 10 से 11 हजार स्ट्रीट वेंडर है रुड़की के अंदर, जो फेरी पटरी लगाकर अपना कारोबार करता है और उसकी रोजी रोटी का सवाल है। सिंचाई विभाग द्वारा जो अनावश्यक रूप से जो इनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के विरोध में मैं इस सभा में आया था, इनको पूरा समर्थन दिया है। ऐसा है यहाँ पर जो है, जो हमारी जो राष्ट्रीय नीति बनी हुई है हम लोगों के लिए लघु व्यापार के लिए, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और उसे क्रियान्वित ना करने की वजह से हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जब हमें यहाँ पे 2009 में 2010 में यहाँ पे सड़कों से उठा के यहाँ पे बैठाया गया था, तो हमें यह आश्वासन दिया था कि भाई आप सड़क से अंदर हैं, आपको किसी प्रकार का परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन आप जो है पुलिस प्रशासन में परेशान